चाणक्य अकेडमी नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण मानव अधिकार अध्ययन के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तीन जो हमारे वेद शुरू के हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये इन तीनों को मिला के वेदत्रयी बोलते हैं। तथागत किसका अर्थ है? तथागत हमारे गौतम बुद्ध से है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब, चंपा, चमेली, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, आंसर नंबर डी इज राइट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, हंस है, बतख है, बगुला। मोर हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश हमारा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, जिसकी आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। आश्रम की संख्या प्राचीन भारत में कितनी है? एक, दो, तीन, चार। चार आश्रम हैं, ब्रह्माश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास और एक कौन सा आश्रम जो छूट रहा है वो बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो मुझसे एक आश्रम छूट रहा है। क्वेश्चन नंबर सेवन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहलाते हैं नीति, वर्ग, ज्योति, पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, भारतीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? काला, गेरुआ, नीला, लाल। ये नीला होता है। ये अशोक चक्र जो होता है भारत का ध्वज चक्र, वो कहाँ से लिया गया है? ये अशोक के स्तंभ से लिया गया है, अशोक का जो। क्वेश्चन नंबर नाइन, कथक नृत्य किस राज्य का है? असम, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। कथक हमारे उत्तर प्रदेश का है और कथकली हमारे केरल का है। आंध्र प्रदेश का मोहिनीअट्टम है, असम का बिहू है, उत्तर प्रदेश का कथक है। एक ही क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा नृत्य किस प्रदेश का है? उड़ीसा, बंगाल, मेघालय, असम। उड़ीसी राज हमारे उड़ीसा का है। बंगाल में कौन सा नृत्य है बताइए? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? चंद, अशोक, राहुल, विवेक। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम अशोक था, अरे सॉरी, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, अशोक बता रहा हूँ, चंद गुप्त मौर्य है, बहुत मारेगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल पर प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या धोलावीरा। ये हमारा लोथल, आंसर नंबर बी इज राइट। चारों के किसके राजपुरोहित थे? बिंबिसार के, अजाशत्रु के, अशोक के, चंद्रगुप्त के। ये चंद्रगुप्त के राजपुरोहित थे, आंसर नंबर डी इज राइट। तीसवें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ या नोमीनाथ। तेईसवें हमारे पार्श्वनाथ थे, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी वाराणसी के नासिक में, स्वर्ण बेलगोला में, महाराष्ट्र में, नासिक में। इनका ध्यान स्वर्ण बेलगोला में हुआ था, यह भद्रबाहु के साथ जब फेमिन ब्रोक आउट हुआ था तो इन्होंने जैनिज्म अपना लिया था और ये श्रवण बेलगोला मूव कर गए थे। ये मैसूर में पड़ता है श्रवण बेलगोला। राम को वनवास किसने कहने पर भेज दिया गया था? सुभद्रा, कैकेयी, मंदोदरी, सीता। कैकेयी पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गरुड़ किस देवता का वाहन है? शिव, विष्णु, सूर्य, चंद्रमा। ये विष्णु जीव का वाहन है। पशुपति किस देवता को कहते हैं? शिव को, विष्णु को, मारुति को, हनुमान को। ये शिव को कहते हैं पशुपति देवता। रावण कहाँ राज्य करता था? अयोध्या में तो करता नहीं है, श्रीलंका में, कन्याकुमारी में, मदुरई में। ये श्रीलंका में राज्य करता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ऋग्वेद, आंसर नंबर ए इज राइट। हिमालय स्थित है उत्तर प्रदेश के भारत में, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में, कश्मीर में, या इनमें से कोई नहीं, ये भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय की ऊंचाई कितनी है?
8000 कितनी है भाई? 8848 मीटर की है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होती है? असम में, मेघालय में, कर्नाटक में, नासिक में। ये हमारे असम में होती है। संगम स्थित है हरिद्वार में, प्रयागराज में, वाराणसी में, नासिक में। संगम प्रयागराज में स्थित है, जहाँ पे तीन नदियाँ मिलती हैं। इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। सरस्वती तो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, लोगों का बिलीफ है, माइथोलॉजिकल बिलीफ है कि ये अंदर ही अंदर प्रवाहित होती रहती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, पंजाब, उत्तराखंड, वाराणसी। चेरापूंजी आंसर नंबर ए इज राइट। चेरापूंजी कहाँ पड़ता है? चेरापूंजी हमारा मेघालय में पड़ता है। आई थिंक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।